नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। पिछली बार मैंने आपसे अपने नॉनवेज फूड एक्सपीरियंसेस का पार्ट वन शेयर किया था। आज इस एपिसोड में आप पार्ट टू देखेंगे। मैं आपसे वो सारे फूड एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जहां पर जाके अगर आप नॉनवेज फूड एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफी पसंद आएगा। हम जानते हैं कोलकाता में खाने पीने की कितनी मौज है। मुझे आज भी याद है जब हम मित्रा कैफे गए, वहां हमने जो फिश कबीरा जी खाया उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया। इसको खाते ही ना मेरे को दो तीन तरह के स्वाद एक साथ आए हैं। सबसे पहले स्वाद आया मेरे को अंडे का, क्योंकि बाहर जो लेयरिंग है वो ऑमलेट का है, मतलब बीटन एग। सेकंड, फिश का टेस्ट बेतकी का बहुत स्वाद है। कभी आप कोलकाता आएंगे तो ये आप डे वन पे ही खाइएगा, आप भी याद करेंगे। ये एकदम अलग किस्म की फिश है। अब साथ में फ्राई किया तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑयली फील तो आएगी। वेरी गुड, मस्त है। मैं आपको कोलकाता के एक और फूड जॉइंट के बारे में बताता हूं। इस जगह का नाम है डेकर्स लेन। यहां पर एक शॉप में आपको जो चिकन स्ट्यू का टेस्ट इंजॉय करने को मिलेगा, यह आपके लिए बहुत लंबे समय तक यादगार बनके रह सकता है। इस जगह की बहुत फैन फॉलोइंग है। ब्रेड जिसमें ऑलरेडी बटर लगा हुआ है, इस तरह से डिप करने से ना रॉकिंग टेस्ट आ रहा है। बहुत अल्टीमेट है वाकई। कितनी खूबसूरती से इस चिकन स्टू के अंदर पपीते का टेस्ट को मैरिज कर दिया गया है। अति उत्तम। चिकन तो मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया, मैं पपीता और सूप से इतना इंप्रेस हो गया हूं, वाकई काबिले तारीफ है। इस जगह आना ना, आई एम वेरी हैप्पी। आप चिकन देखो कितना सॉफ्ट, कितना टेंडर, वाओ। ये जो चिकन है ये पोल्ट्री चिकन नहीं है, देसी चिकन है। तो आप समझिए देसी चिकन का स्वाद और ऑप्टिमम लेवल पे कुकिंग, सब कुछ ऑथेंटिक है इस टेस्ट के अंदर। हल्का हल्का ट्रैफिक साथ में चल रहा है रोड पे, इस तरह से लंबा बेंच, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी पीक टाइम नहीं है तो इतनी भीड़ है, तो सोचो लंच में कितनी भीड़ होगी। अब मैं आपसे असम की बात करता हूं। असम सीरीज में आपने देखा होगा हम मानस नेशनल पार्क गए थे, हमने काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स देखे और सफारी अपनी खूब इंजॉय करी। वहां से हम चले और गुवाहाटी की ओर आए। रात का समय हो चुका था, डिनर करने के लिए हम गुवाहाटी में रुके थे गैम्स डाली केसी में। यहां पर हमने एरीफिश ओटेंगा के साथ, एलिफेंट एप्पल बोलते हैं, साथ में जोहा राइस का कॉम्बिनेशन बहुत इंजॉय किया था। सुपर्ब टेस्ट हो गया ओ टेंगा, एरीफिश जो बनी है जोहा राइस के साथ। मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा पोर्शन लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेड फॉर ईच अदर है। जोहा राइस जैसे से मैं खा रहा हूं और ऐसा लग रहा है मुझको कि लाइट ऑन स्टमक ऑल्सो, मतलब अगर अपन पेट भर के भी खा लेंगे तो हैवीनेस बिल्कुल नहीं है। ओटेंगा की हल्की हल्की खटास राइस के साथ मिलके बहुत बेहतरीन टेस्ट। आप अगर असम आएंगे तो ये कॉम्बिनेशन मिस मत करिएगा। चलिए अब मैं आपसे तेलंगाना की बात करता हूं। हम गए हैदराबाद, हमने बहुत जगह बिरयानी का टेस्ट इंजॉय किया। हम बावर्ची रेस्टोरेंट गए, पैराडाइज में भी हमने बिरयानी खाई, कैफे बाहर में भी हमने बिरयानी खाई, शादाब होटल में भी खाई। इन सब में जो बिरयानी मेरे को सबसे ज्यादा स्वाद लगी वो थी शादाब होटल की। हालांकि टेस्ट सब जगह काबिले तारीफ था। ऑर्डर देते समय मैंने पूछा कि इसमें कितने मटन पीसेज रहते, तो इन्होंने बताया कि 8 पीसेज रहते, 4 विद बोन, 4 पीसेज विदाउट बोन। पहले आप इतने दे दीजिए। थैंक यू।
अब कलर देखो कैसे, मसाले का कलर भी है और राइस का कलर भी है। देखने में राइस काफी खिला खिला सा लग रहा है, जो महसूस हो रहा है बाइट लेने से पहले। कितना आसानी से पीस हाथ से ही निकल रहा है। मटन का जो मसाला इस्तेमाल किया गया है काफी माइल्ड है। आमतौर पे मैंने सुना कि हैदराबाद में स्पाइस आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहां ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। स्पाइस काफी मॉडरेट लेवल पे है, कॉस्मोपॉलिटन फ्लेवर कि हर आदमी खा सकता है। राइस का फ्लेवर अच्छा है, मटन तो मजा आ रहा है खाने में। अभी तक जो मैंने आपसे बिरयानी की बात करी, ये एक पर्टिकुलर कुकिंग स्टाइल था, हैदराबादी बिरयानी जिसको बोलते हैं। हमने आंध्र स्टाइल बिरयानी भी खाई, जिसको खाने के लिए हम श्री कन्या रेस्टोरेंट गए। यहां का बिरयानी का टेस्ट एकदम अलग था, लेकिन ये जगह और बिरयानी दोनों मुझे पसंद आई। सर्व करते समय इन्होंने मुझे बताया कि एक प्लेट में 4 से 5 पीसेस रहते हैं चिकन के। अब ये देखो, कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी, काजू, ये सब तो प्लेट में अच्छे से है। चिकन खाने से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि बड़ा होम बेस्ड कुकिंग होती है, जिसके अंदर सिंपल से घर के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। नमक, लाल मिर्च, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। हैवी मसाले नाम का कोई चीज़ नहीं है, इनफैक्ट वेरी लाइट। अच्छे से कुक हुआ चिकन, ये कह सकता हूँ मैं। श्री कन्या होटल का मंथली 1-2 बार रहते, बहुत अच्छा होटल है, पूरा खाना सब्जी बहुत पसंद रहता है, इधर फर्स्ट क्लास एकदम है। श्री कन्या रेस्टोरेंट में हम फैमिली के साथ अक्सर डिनर करने आते हैं, अच्छा रहता है। हैदराबाद में हमें किसी ने बोला, अगर आप पाया एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जाइए मखदूम भाई की शॉप में। पूछते पूछते ढूंढते हुए हम पहुंच गए वहां पर। वहां जाकर जो हमने पाया का टेस्ट एंजॉय किया, मेरे को आज भी याद है। एक बात आपको और बताता हूं, हम तो गए थे वहां पर ऑड टाइम पे। अगर पीक टाइम पे वहां पर जाएं, यानी अर्ली मॉर्निंग, तो सुना है काफी क्राउड रहता है। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है पाया के साथ। फर्स्ट वन अमृतसर में था, उसके बाद यहां पर हैदराबाद में। सर्व करते टाइम मुझे बताया कि इस रोटी को खाने का तरीका क्या है, कि आप इसको ऐसे ब्रेक करो और इसमें डाल लो। पाया का सूप बोन्स के लिए बड़ी काम की चीज है। हालांकि मेरा तो सेकंड एक्सपीरियंस है, लेकिन काफी लोग इसको रेगुलर तौर पे पीते हैं। इस पीस का साइज अच्छा खासा बड़ा है, हाथ में होल्ड करने से मेरे को काफी सॉफ्टनेस की फीलिंग आ रही है, जिससे लग रहा है कि कुकिंग काफी बेहतरीन ढंग से हुई है। ये पाया पीस खाते खाते मैं रियलाइज कर रहा था कि पाए में वो जो स्टिकीनेस होती है ना, कि आपको जो 3-4 मिनट के बाद एहसास होता है जिस चीज का, वो ऑलमोस्ट मेरे को होनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी मेरे को 3-4 मिनट हो चुके हैं और ऐसा देखो कैसा एफर्ट कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है दोनों फिंगर्स मेरी साथ में चिपक रही हैं। पाए की कुकिंग परफेक्ट लेवल पे हुई है, मसाले मॉडरेट है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अपने लिए मैं एक बाउल और मंगाने वाला हूँ, आज का डिनर कैंसिल, डिनर आज इसी का होगा। हैदराबाद में बिरयानी और पाया एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए उल्वा चारू रेस्टोरेंट। यहां पर हमने राजू गढ़ी कोड़ी पलाव खाया। ये चीज बहुत अलग थी, फ्लेवर्स एकदम ऑथेंटिक थे। मैंने भी समझा इस डिश के नाम के बारे में, राजू मतलब किंग, गढ़ी मींस रिस्पेक्ट, हेलो जी, जी रिस्पेक्ट, कोड़ी मींस चिकन, उसके बाद पलाव। इसके अंदर मेरे को ना ऑयल की फीलिंग नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है वेरी लेस ऑयल। तो इसके अंदर क्या ऑयल रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता सर, विदाउट ऑयल। अच्छा, विदाउट ऑयल, विदाउट ऑयल, कमाल है, बहुत बढ़िया टेस्ट है, गुड। और इसका मिल्क रहता है क्या इसके अंदर? थोड़ा मिल्क रहता है, थैंक यू। जीरो ऑयल और थोड़ा सा मिल्क। मेरे को इसमें इंजॉयमेंट के लिए ऐसा महसूस हो रहा है, गार्लिक भी है पेस्ट की फॉर्म में और अनियन पेस्ट का भी फीलिंग आ रही है।
अब मैं आपसे कर्नाटका में कूर्ग की बात करने वाला हूं। हमारे लिए कूर्ग टूर काफी अनप्लान था, सिर्फ एक या दो दिन के नोटिस में हमने ये टूर प्लान किया था। हमने कॉफी पे एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया था, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। इस एपिसोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने बहुत सारा लोकल फूड भी एक्सप्लोर किया था। अपने होटल के पास ही एक छोटा सा ढाबा था, वहां पर हमने प्रॉन करी खाई डोसा के साथ। ये कॉम्बिनेशन और ये प्रिपरेशन मुझे बहुत पसंद आई थी। क्या लाजवाब टेस्ट है, खटास इमली की। इस तरह का डोसा पहली बार, साइज के अंदर इतना छोटा और सेंटर से मोटा। यहां से क्रिस्पी, यहां से स्पॉन्जी। बनते समय देखा इन्होंने बेस में ऑयल नहीं डाला, जो हल्का सा 50-60 ml डाल रहे थे एक किलो के बैटर के पीछे। दैट्स इट, नो उड़द दाल, ओनली राइस। ये दोनों चीजें इंडिविजुअली लाजवाब ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ना अल्टीमेट, मैं सोच भी नहीं सकता था इस तरह का डोसा और इतनी टेस्टी करी, जिसके मसाले में सबसे जो बेहतरीन फ्लेवर आ रहा है वो कोकोनट का आ रहा है। कोकोनट चिली तेज है, हालांकि तेज नहीं कह सकते लेकिन चिली महसूस हो रही है खाने में। धनिया पाउडर अच्छे से निकल के आ रहा है और गर्मा गर्म खा रहे हैं। आई एम एंजॉइंग दिस ब्रेकफास्ट हियर इन कुशालनगर। अब मैं आपसे केरला की बात करने वाला हूं। आप जानते हैं हमने केरला टूर की शुरुआत सेंट्रल केरला से की थी। कोची से हम चले और हम गए मुन्नार। मुन्नार में टाउन से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर एक ढाबे में हम गए। वहां पर हमने फिश करी खाई अपम के साथ। बड़ा ही ऑथेंटिक टेस्ट और पूरी फिश करी की प्रिपरेशन उन्होंने हमारे सामने करी। हमें टेस्ट बहुत पसंद आया। मिर्च ऊपर है, खट्टा हल्का हल्का है लेकिन मजेदार है कोकम का। और मिर्च तो ऐसी है कि मैं खाता हूं तो मेरे को मजा आ रहा है। अगर आप मिर्च कम पसंद करते हो तो आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि तीखा है। जब से मैंने सी फूड खाना स्टार्ट किया ना, मेरे को बांगड़ा का टेस्ट बहुत पसंद आता है। साजिल भाई गाड़ी के ड्राइवर है, इन्होंने डोसा खा लिया। एक चीज बताओ, अच्छा है आपको हिंदी आती है तो हमारे लिए आप ट्रांसलेटर का काम भी कर लेते हो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कुछ बहुत पसंद आए खाने में, मतलब समझ लो मजा आ गया, तो मलयालम में आप कैसे बोलते हो? हम अडिपोली बोलते हैं। अडिपोली, अडिपोली, अडिपोली। तो एक बार आप ओनर को बुला सकते हो प्लीज, और उनको बोलना मेरे को बहुत पसंद आया, एक और जैसा चाहिए तो प्लीज बुला दीजिए। ओ सर प्लीज सिट। सर अपम, फिश करी, अडिपोली, एक्सीलेंट टेस्ट, सुपर टेस्ट। थैंक यू। सेंट्रल केरला घूमते समय हम मुन्नार के बाद टेकड़ी गए। यहां पर टेकड़ी कैफे जाकर हमने फिश मौली की पूरी प्रिपरेशन देखी और उसका टेस्ट भी काफी एंजॉय किया। देखो इन्होंने कितना डेकोरेट करके हमें सर्व कर दिया। एनीवेज आई एम मोर इंटरेस्टेड विद द करी एंड फिश, तो साथ में अपम। अब सबसे पहले कहां से शुरू किया जाए? या अच्छा ये देखो, रियलिटी में बड़े टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि इस तरह से ना स्टार एनिस ऐसा डिश के अंदर साबुत का साबुत। काजू, किशमिश, मजा आ गया मेरे को इसका रेसिपी बनते हुए देखकर। होल स्पाइसेस पूरे के पूरे हैं। इलायची दिखाई दे रही है, देखो आप जो इन्होंने डाला था वो तो सब अंदर ही है। वाओ सुपर्ब। अपम का तो मैं फैन हो गया हूँ। जब जब मैं यहाँ पे खा रहा हूँ ना, तो मेरे को हर जगह थोड़ा थोड़ा टेस्ट में वेरिएंस मिल रहा है और मजा आ रहा है। इसमें बेस्ट चीज क्या होती है, बीच में से जो थिक होता है ना, ये देखो स्पॉन्जी सा, इसका बड़ा मस्त टेस्ट आता है। और इस तरफ से देखो कैसा कुकिंग है, यहाँ से टिक 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 टिक। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, बड़े सारे कॉम्बिनेशन में अपम को खाया जाता है। ये डायरेक्टली विद द फिश।
शानदार और डिफरेंट। डिफरेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारे बनाने के तरीके में मेरे को चीज़ें लगी जो यहाँ आके ही हमको मिल सकती हैं। जैसे आपने देखा कोकोनट ऑयल वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था, होल स्पाइसेस, केरला तो वैसे भी स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। ये खा लेने के बाद मैं फिश मॉली का फैन हो गया हूँ, तो कुल मिला के सुरमई का अच्छा कॉम्बिनेशन और मिस नहीं कर सकते इसका कॉम्बिनेशन अपम के साथ। अगर इसकी जगह हम लोग कुछ और खाया साथ में तो मज़ा नहीं आएगा, ये ग्रेट है। अब मैं आपसे तमिलनाडु में चेन्नई की बात करने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से चेन्नई की बिरयानी भी लोग बहुत पसंद करने लगे हैं। हम जब चेन्नई गए वहाँ पर एक स्पेशल किस्म की बिरयानी खाने के लिए हम गए डिंडगल थलपकट्टी। यहाँ की खास बात यह है बिरयानी में जो राइस इस्तेमाल होता है वो जीरा का सांबर राइस रहता है जो बहुत छोटा चावल का दाना रहता है, साथ में इसके मिलती है दालसा। ये खास बात है इस जगह की और टेस्ट मुझे काफी पसंद आया। सीरागा सांबा राइस के बारे में तो मेरे को यहाँ आने के बाद ही पता चला, पहले तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। एकदम डिफरेंट किस्म का राइस है, मैंने थोड़ा इसके बारे में नेट पे पढ़ा था कि ये राइस में ऐसा होता है कि जो भी आप मसाला डालते हो ये उसका फ्लेवर ले लेता है, जबकि बासमती केस में बासमती का अपना फ्लेवर होता है या राइस का कोई फ्लेवर नहीं है लेकिन मसाले का लेता है। बाकी वो जो मसाला जिस तरह से राइस में मिल गया है अच्छा टेस्ट दे रहा है, मसाले मॉडरेट लेवल पे हैं। सही है, चिकन टेंडर भी है और अच्छे से कुक भी हुआ है, नाइस। इस तरह से दाल बिरयानी के ऊपर मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकता था, यहाँ आने के बाद पता लगा ये दालसा इनका तरीका है सर्व करने का और ये पिछले 50-60 साल से चल रहा है दाल विद बिरयानी। दाल को बिरयानी में मिक्स करने से क्या हो गया, बिरयानी में लाइट मसाले और दाल के अंदर खटास, खटास किसी की मैंने बनते समय देखा, कच्चा आम डाल रहे थे रॉ मैंगो, उसकी खटास बड़ा मतलब अमेजिंग है, पहली बार खा रहा हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है मेरे को खाने से। इस तरह का कॉम्बिनेशन। अब मैं आपसे गोवा के बारे में बात करने वाला हूँ। हमने गोवा टूर की शुरुआत साउथ गोवा से करी थी, ऑलमोस्ट हम 7 दिन साउथ गोवा में रहे, काफ़ी सारे हमने सी बीचेस देखे, ये हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फूड एक्सप्लोर करने के लिए जो ऑप्शन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी मार्टिन्स कैफ़े साउथ गोवा में। यहाँ पर मेरे को आज भी याद है सी बास का फिले जिसकी कुकिंग की गई थी रिचादो मसाले में, मेरे को बहुत पसंद आई थी। सी बास गोवा में ये फिश चोनक के नाम से जानी जाती है, सो यू कैन इमेजिन चोनक फिश अलोंग विद रिचादो मसाला कैसा टेस्ट आने वाला है। मैंने बहुत सुना था चोनक फिश के बारे में कि यहाँ लोकल्स बहुत पसंद करते हैं, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी फिश है। साथ में जितना मैंने मसाले के बारे में सुना था या जितना मैंने इमेजिन किया था उससे ऊपर है। गोवा टूर के दौरान साउथ गोवा घूम लेने के बाद हम गए नॉर्थ गोवा। कलंगूट सी बीच के पास फ्लोरेंटाइन रेस्टोरेंट में जब हम पहुंचे, यहां जाकर हमने काफ्रियल मसाले के बारे में जाना, समझा और चिकन काफ्रियल का टेस्ट इंजॉय किया। ऊपर आप देखो ये मसाले की लेयर, ये देखिए किस तरह से ये लेयर बाहर आ रही है। ये काफ्रियल मसाला है जिसको इस्तेमाल करने के लिए 7 से 10 चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। मेरा श्योरली पहला एक्सपीरियंस है क्योंकि गोवा में ये मसाला से बना हुआ चिकन बहुत पॉपुलर है, एक्चुअली में ये पोर्चुगीज डिश है। क्या टेस्ट है, नेवर बिफोर एक्सपीरियंस चिकन की प्रिपरेशन के अंदर इतना जबरदस्त टेस्ट है इस काफ्रियल मसाले का। चिकन देखिए आप, चिकन काफ्रिया लोग इतना पसंद करते हैं कि ग्रेवी भी साथ में मिलती है और मैंने ग्रेवी आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया था। ये ऐसे है ग्रेवी, ओह
ट्राई दिस टू अगर आप मुझे पूछो गोवन नॉनवेज फूड में मैंने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया तो मेरा जवाब होगा पैंजिम घूमते समय हम रिट्स क्लासिक रेस्टोरेंट गए, यहां पर हमने फिश करी राइस थाली खाई, ये मेरे लिए नंबर वन था। मेरे को काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट आए कि जब यहां पर आओगे आप पैंजिम में तो लंच आप इधर जरूर करना। बहुत काबिले तारीफ टेस्ट है। मैंने सुना था कि जो गोवन फिश करी होती है वो काफी तीखी होती है, हायर साइड पे स्पाइस रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मुझे सबसे अच्छा जो पहली बाइट लेने पे लगा ना वो है हल्की हल्की फिश करी के अंदर खटास और तीखा वेरी मच एट मीडियम लेवल। टू गुड। सुरमा ही दिया इन्होंने साथ में रवा फ्राई करके, एब्सोल्युटली सॉफ्ट, और रवा फ्राई करने से मजा खाने में बहुत बेहतरीन आ रहा है। गोवा में मैंने बहुत लोगों से बात करी समझने के लिए कि कौन सी फिश है जो सबसे ज्यादा चलती है, तो काफी लोगों ने मुझे बोला कि सुरमई आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि बांगड़ा फिश बहुत चलती है यहाँ पर, बट सुरमई थोड़ी ज्यादा है। यम्मी। ये शेल फिश है, यहाँ पर जो लोकल नेम है वो है तिसरो। ये देखो मीट कोकोनट और अनियन के साथ। सोलगढ़ी मेरे को बहुत पसंद है। तूफान कोकोनट कोकम और मसाले, और यहां के कोकम का स्वाद तो बहुत गजब है। टू गुड। खट्टा मतलब अच्छे से है। फैंटास्टिक, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। कोकम तो जादू कर रहा है इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये नॉनवेज फूड कॉम्पाइलेशन अच्छी लगी। पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं एक बार ये कोविड 19 से जुड़ा हुआ जो माहौल है ये ठीक हो जाता है तो हमारे ट्रैवल डेस्टिनेशंस आने वाले 12 महीने में एटलीस्ट टॉप 3 डेस्टिनेशंस कौन से रहेंगे। तो उसका जवाब मेरे मन में जो है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार। ये तीनों जगह मैं नहीं गया। कर्नाटका में हम कूर्ग गए थे, लेकिन कूर्ग बहुत छोटी रिप्रेजेंटेशन है कर्नाटका स्टेट की। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें जरूर बताइए। अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।